आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। तो नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास। आजमगढ़ जिले में अहरोरा थाने के माहुल पुलिस चौकी के अंतर्गत माहुल के ही देशी शराब के ठीके से शराब पीने से लगभग 7 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। बताते चले, माहुल चौकी के लगभग दर्जनों गांवों के सैकड़ों लोगों की हालत शराब पीने से गंभीर बनी हुई है। अफरा तफरी के बीच मौके पर आजमगढ़ DM और SP पहुँचे। इस घटना से क्षेत्र में काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति बनी है। DM ने कहा, टीम गठित करके गांव में सर्वे कराया जाएगा, जहरीली शराब को बेचने वाले के ऊपर NSA की कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बोला है दारू पीने से लोग यहां कितने लोग दारू पीने से ये दारू आप कहाँ से लाए थे? दारू कहाँ से लाए? दारू कहाँ से आई हुई थी? किसके ठीका पर से? किसका ठीका है? बिलपुर सांसद रमाकांत का ठीका है, उसी ठीका पर से आई हुई दारू थी। तो यहाँ और काफ़ी लोग किए हैं, उनकी स्थिति कैसी है? यहाँ जो हमारे अधिकारियों ने तस्दीक करके बताया कि 5 डेथ्स अभी रिपोर्टेड हैं और 4 लोगों को CHC के माध्यम से हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। और साथ में एक सर्वे भी यहाँ पे कराया गया, जिन जिन लोगों ने इस ठेके से शराब लिया था तो उनको भी हम लोग एज ए प्रिकॉशनरी मेजर सबको 8-9 लोगों को, जबकि उनकी स्थिति ठीक है लेकिन उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा रहा है। सर, इसमें लापरवाही कुछ देखिए, अभी तो ये स्तंभी मौके पे पहुँचे, इसमें जो भी दोषी होंगे उसमें बहुत ही कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। और इमीडिएटली जैसे मुझे बताया गया कि यहाँ जो सेल्समैन है उनको पकड़ लिया गया है और इस पर अभी पुलिस पूरी तरीके से लग गई और बहुत जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करा के NSA की कार्रवाई कराई जाए। आरोप लगा रहे हैं सरकारी ठेके की दुकान से ऐसा हुआ है। देखिए, अभी जस्ट हम पहुँचे हैं, जो भी इसमें दोषी होगा इसमें NSA की कार्रवाई कराई जाएगी। सर, ये आंकड़े कितने तक बढ़ सकते हैं? देखिए, जैसा अभी हम भी आपके साथ मौके पर पहुँचे हैं, हमारी पूरी टीम लगेगी, जिन जिन गाँव में लोगों ने यहाँ से पिया होगा जो गए होंगे, तो 1-1.5 घंटे के बाद मैं आपको स्थिति से सही बता पाऊंगा। सर, ये अभी पिछले कुछ महीनों में ये घटना इससे सामने आई थी बम्बई थाना से, मित्तुपुर से, तो फिर ये फिर दोबारा हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? पहले जो घटना हुई थी, लगभग 1 साल पहले घटना हुई थी, उसमें पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। जितने भी लोग थे उनकी 14(1) की गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अब ये घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है, हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि जितने भी लोग हैं पहले सबका चेकअप करा लिया जाए, उनको बेहतर उपचार उपलब्ध करा दिया जाए। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो भी लोग शामिल होंगे किसी भी प्रकार से उन सब पर बहुत कठोर कार्रवाई, गैंगस्टर NSA 14(1) के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी जब्ती करेंगे, ये सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनको बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जाए, प्राइमरी चेकअप सबका हो जाए। सर, ऐसा हाल ही में समय क्यों होता? ये घटना हुई है, घटना के जितने भी कारण हैं, जो भी इसके कारक हैं, सबके बारे में गहनता से जांच की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी।